हेलो, ब्रेड उपमा नॉर्थ इंडियन वर्जन है हमारे सूजी उपमा का। ये एक सुपर क्विक रेसिपी है हमारी शाम वाली भूख को मिटाने के लिए या फिर नाश्ते के लिए जब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम ना हो, तो हम भी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए सीख लेते हैं ब्रेड उपमा की हेल्दी रेसिपी। चलते हैं सीधे मेरे किचन में। सबसे पहले हम पैन में मस्टर्ड ऑयल को हीट करेंगे। जैसे ही ऑयल हीट हो जाएगा, इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई। जैसे ही राई हमारी क्रैकल होगी, हम डाल देंगे सम करी पत्ता। इसके बाद हम डालेंगे चॉप अनियंस। अनियन रोस्ट होते ही हम डालेंगे इनमें बाकी वेजिटेबल्स। अनियंस के रोस्ट होते ही हम डालेंगे इनमें चॉप टमेटो। टमेटो को भी अच्छे से सौते करेंगे। टमेटो सौते हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे बॉइल्ड पीज। अब हम इसमें डालेंगे सम ग्रेटेड कैरेट्स। इसके साथ ही हम डाल देंगे ग्रेटेड जुकीनी। आप अपनी मर्जी की कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हो। मैं ये सब्जी ऐड कर रही हूँ जो मेरे पास अवेलेबल है। इनको अच्छे से कुक करेंगे। इसको मैं 5 मिनट्स तक कवर करके रखूंगी सो दैट सब्जी कुक हो जाए। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। मीनवाइल जब तक हमारी सब्जी हो रही है, तब तक हम दूसरा प्रोसीजर देख रहे थे। मैंने यहाँ पे तवे के ऊपर ब्रेड को, आई हैव टेकन 4 ब्रेड स्लाइसेस, मैंने इनको क्यूब्स में कट कर लिया है। इन्हें मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। इट विल ऐड क्रिस्पीनेस टू आवर ब्रेड उपमा। इट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, आप नहीं भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं। आप ब्रेड को, पूरी ब्रेड को पहले टोस्ट करके उसके बाद में भी कट कर सकते हो। आई प्रेफर इट दिस वे। मैंने साइड्स को फ्लिप कर दिया, दोनों साइड्स रोस्ट हो रही हैं। सब्जी कुक हो गई है, अब मैं डालूंगी इसमें हल्दी, सॉल्ट टू टेस्ट, सम ब्लैक पेपर। इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जूस ऑफ 1 लेमन। अब मैं डालूंगी अपनी फेवरेट प्लम की चटनी, 1 चम्मच। अब हम ब्रेड को ऐड करेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, नहीं तो ब्रेड सॉगी हो जाएगी। ये हमारा तैयार है। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी सम घर का फ्रेश करियंडर। इसकी खुशबू तो मुझे मार ही डालेगी। हमारा ब्रेड उपमा रेडी है।